हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय चैनल द जॉब सीकर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रेलवे के में आई हुई वांट के रिगार्डिंग। रेलवे चेन्नई ने, जो कि ICF चेन्नई है, उसने वेरियस अप्रेंटिस पोस्ट का रिक्रूटमेंट शुरू किया है 2018 के लिए। और ये उन लोगों के लिए है जो ITI कर रहे हैं या ITI कर चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और क्या कहते हैं, इसमें मैं आपको काफ़ी सारी जानकारियां देने जा रहा हूं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे एग्ज़ाम होना है और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगर मैं आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई अपडेट हो तो वो आपको मिल जाए तुरंत ही। तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ सारी जानकारी। पहला तो ये फॉर्म जो बिगिन हुआ है वो 8 जुलाई 2018 से शुरुआत हुई है इसकी, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 8 अगस्त 2018 तक शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म ओपन रहेंगे। और फिर जो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के रिगार्डिंग होगा, और उसका आपको जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो आपको मेल के थ्रू या बाय पोस्ट आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर आते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो जनरल एंड SC जनरल OBC के लिए 100 रुपीज़ है, और वहीं आप देख रहे हैं SC ST के लिए 0 रुपीज़ है। तो ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है SC ST वालों के लिए कि आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है इस चीज़ के लिए। एंड फिर आप देख रहे हैं कि जो पेमेंट मोड है वो है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मोड में भी जा कर के पे कर सकते हैं। इसमें आपको नियरेस्ट ऑफिस जो है वहाँ पे आपको अपना फॉर्म सबमिट करना रहेगा। एक ख़ास बात जान लें कि इसमें आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस फॉर्म को ऑफलाइन मोड में नहीं सबमिट करना है, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं रिक्रूट होगा, आप इसको क्या नाम है नियरेस्ट ऑफिस पे जा कर के सबमिट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम, जो इसमें जान लेते हैं कि वैकेंसी कितनी आई हुई। तो वैकेंसी आई हुई 697 पोस्ट हैं इसमें। और फिर उसके बाद तो अब हम जान लेते हैं कि क्या किस कौन सी पोस्ट कितने किसके लिए कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इसमें। तो अगर हम बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए, जो कि अभी अभी ITI में इनरोल हुए हैं, उनके लिए जनरल कैटेगरी में 224 सीट्स अवेलेबल हैं, OBC कैटेगरी में 116 सीट्स अवेलेबल हैं, SC के लिए 64 सीट्स हैं एंड ST के लिए 32 सीट्स हैं। तो टोटल 426 सीट्स अवेलेबल हैं फ्रेशर्स के लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम में। और फिर बात करते हैं XITI के लिए, तो XITI पर्सन वो हैं जिन्होंने पास आउट कर लिया है ITI का अपना उस स्टेट रिगार्डिंग में, तो उनके लिए जनरल में है 136 सीट्स एंड OBC में है 73 सीट्स, SC के लिए है 42 सीट्स, ST के लिए है 20 सीट्स, तो टोटल है 271 सीट्स। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो है 15 से लेके 24 तक आपकी एज होनी चाहिए, वो 1/10/2018 को इस एज में आप फुलफ़िल हो जाएं उनके लिए रिगार्डिंग। और फिर फ्रेशर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, उसमें एटलीस्ट आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड XITI के लिए है कि आप 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट आपके पास हो उस रिलेटेड ट्रेड पोस्ट में, अगर आप ITI इनरोल कर चुके हैं तो ये इनकेस उस चीज़ में है। फ्रेशर्स के लिए सिर्फ हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट है, और उसमें अगर 50% होने चाहिए आपके मार्क्स मिनिमम। अगर इन केस आपका 50% मार्क्स नहीं है हाई स्कूल में, ये मैं फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, तो आप 12th का भी मार्क उसमें आप ऐड करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आप 12th का अपना मार्कशीट दिखा सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा अप्रेंटिस के लिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि ट्रेड वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं इसमें। फिर ये देख लेते हैं, कारपेंटर ट्रेड है अगर आपका, तो फ्रेशर के लिए है जनरल में 18 सीट्स, SC में है 10 सीट्स, ST के लिए 5 सीट्स हैं, OBC के लिए 3 सीट्स हैं, तो टोटल 36 सीट्स हैं कारपेंटर पोस्ट के लिए। और अगर आप XITI हैं तो जनरल में आपके पास है 9 सीट्स, SC के लिए है आपके पास 5 सीट्स, ST के लिए 3 सीट्स, OBC के लिए 1 सीट्स हैं, तो टोटल आपके पास है 18 सीट्स। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए, तो फ्रेशर्स के लिए है
33 सीट्स जनरल कैटेगरी में, 18 सीट्स है 10 कट उसमें एससी के लिए, एसटी के लिए है 10 सीट्स और ओबीसी के लिए है 5 सीट्स, तो टोटल आपके पास है 66 सीट इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए। एक्स आईटीआई की बात करें तो जनरल में है 25 सीट्स, एससी के लिए है 14 सीट्स एंड एसटी के लिए है 7 सीट्स और ओबीसी के लिए 4 सीट्स, तो टोटल जो सीट्स हैं अवेलेबल एक्स आईटीआई के लिए इलेक्ट्रिशियन में वो है 50 सीट्स। फिर बात करते हैं फिटर पोस्ट के लिए, तो फ्रेशर के लिए है 50 सीट्स और एससी के लिए है 27 सीट्स, एसटी के लिए 15 सीट्स और ओबीसी के लिए है 8 सीट्स, तो टोटल आपके पास है 100 सीट्स। और एससी आईटीआई की बात करें तो उनके पास 65 सीट जनरल कैटेगरी में, एससी के लिए 35 सीट्स एंड एसटी के लिए 20 सीट्स एंड ओबीसी के लिए 10 सीट्स, तो आपके पास है 130 टोटल पोस्ट। और फिर आते हैं मशीनिस्ट पे, तो फ्रेशर्स के लिए है 16 सीट्स जनरल कैटेगरी में, एससी के पास है 9 सीट्स, एसटी के पास है 5 सीट्स और ओबीसी के पास है 2 सीट्स, तो ओबीसी के लिए काफ़ी कम है वैकेंसी इसमें और टोटल जो है वो है 32 सीट्स। फिर बात करते हैं एक्सआईटीआई की, तो वो है जनरल कैटेगरी में 8 सीट्स, एससी के लिए 4 सीट्स, एसटी के लिए 3 सीट्स और ओबीसी के लिए 1 सीट्स, तो टोटल है 16 सीट्स। फिर आते हैं हम वेल्डर पोस्ट के लिए, वेल्डर पोस्ट के पास है फ्रेशर में जनरल कैटेगरी में 82 सीट्स, ये अब तक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वेल्डर पोजीशन पे, और एससी के लिए है 44 सीट्स, एसटी के लिए 24 सीट्स और ओबीसी के लिए है 12 सीट्स, तो ओवरऑल होता है 162 पोस्ट। और एक्स आईटीआई के पास है 29 सीट्स जनरल कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 15 सीट्स, एसटी कैटेगरी में 9 सीट्स एंड ओबीसी में है 4 सीट्स, तो ओवरऑल है 57 सीट्स वेल्डर का। बात करते हैं पेंटर में, तो पेंटर में सिर्फ फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है उनको, तो वो है 15 सीट्स की रिक्वायरमेंट जनरल कैटेगरी में, एससी की रिक्वायरमेंट है 8, एसटी की है 5 एंड ओबीसी की 2, तो ओवरऑल है टोटल 30 सीट्स। फिर आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, जैसे मैंने आपको बता दिया एज लिमिट जो है वो 15 से 24 साल की है, लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि आप जो टाइम रिलैक्सेबल है एससी ओबीसी के लिए वो है 3 इयर्स की, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ये 3 इयर्स ओबीसी के लिए है और फिर उसके बाद 5 इयर्स है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 10 इयर्स है पर्सन जो कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या कुछ भी उनको डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके पास है 10 साल का रिलैक्सेशन। तो अगर आप इस एज में ये लोग अगर नहीं फुलफ़िल हो पा रहे हैं तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन ऑप्शंस हैं रेलवे की तरफ से। फिर आते हैं हम एलिजिबिलिटी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, तो जहाँ तक एक्स आईटीआई के लिए है वो है क्या कहते हैं फिल्टर इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट के लिए वो है क्वालिफ़िकेशन, आप 10th पास होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ साइंस या मैथ स्ट्रीम में, और आपके पास जिस भी आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर कारपेंटर वेल्डर एंड एमएमटीएम पोस्ट के लिए भी एक्स आईटीआई का यही है कि आपके पास मिनिमम आप 50% मार्क्स के साथ हाई स्कूल में पास आउट हों और फिर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए उस ट्रेड में। और फिर आता है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट में, उसमें आपके पास सेम वही है हाई स्कूल का मिनिमम 50% होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी नेशनल काउंसिल या वोकेशनल ट्रेनिंग का इशू जो जिसने किया हो। फ्रेशर की बात करते हैं तो उनके लिए सिर्फ हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट है, हाई स्कूल आप 50% मिनिमम एग्रीगेट से पास होने चाहिए हाई स्कूल एंड 10+2, तो जहाँ तक इतना तो ऑब्वियस है कि हर कोई 50% मार्क्स अचीव कर लेता है अपने हाई स्कूल में, तो सारी जितनी भी पोस्ट है आपका जो आप उन सब के लिए एलिजिबल हो मिनिमम 50% हाई स्कूल पास आउट के साथ,
और फिर बात करते हैं पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XITI के लिए जितनी भी पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग है वो है 1 ईयर की, और जो आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है फ्रेशर्स के लिए वो है MLT रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए 6 मंथ, और फिर फिटर इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट के लिए 2 साल का पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है, और कारपेंटर एंड पेंटर के लिए 2 साल का है, और वेल्डर के लिए 1 ईयर और 3 मंथ्स, यानी कुल मिला के 15 मंथ्स की ट्रेनिंग है वेल्डर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको स्टाइपेंड कितना ऑफ़र किया जाएगा इसमें। तो फ्रेशर्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में है जो फ्रेशर, उनके लिए तो 5700 रुपीज़ पर मंथ रहेगी, और जो सेकेंड ईयर में है अगर आप पहुंचते हैं तो आप 6500 पर मंथ पाएंगे, और अगर आप थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो आपको 7350 रुपीज़ का पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। XITI कैंडिडेट्स के लिए जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, वो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के, आपकी सर्टिफिकेट और आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो भी आप करेंगे उस हिसाब से आपका डिसाइड किया जाएगा। फिर आते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे कि आपको सर्टिफिकेट्स क्या क्या लगाने हैं फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए सर्टिफिकेट्स यहाँ पे। यहाँ आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, यानी कि एक हिसाब से अगर आप फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर में तो आपको चाहिए TC, और ये XITI वालों को चाहिए NOC, और फिर आपके पेरेंट्स का आइडेंटिटी या सर्विस का सर्टिफिकेट का एक कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके पेरेंट्स की आइडेंटिटी हो, वो क्या सर्विस कर रहे हैं उसकी पहचान हो। आपके पास अपना हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास ITI की मार्कशीट के होनी चाहिए इन केस ऑफ यू एन XITI, एंड फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर आप SC ST या OBC हैं, और अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आपको क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है फॉर्म फिलअप टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे की सारे जो भी आपकी मेजर रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट, और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, और आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ कवर कर लिया। इन केस अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको फुल नोटिफिकेशन फॉर्म दिए दे रहा हूँ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और आप कैसे ऑनलाइन फिल फॉर्म करेंगे वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में बता दूंगा, और फिर आपको पेमेंट मोड, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, आप जब भी जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन साइट जब आप ओपन करेंगे तो आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता चला जाएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।